ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो DDU का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, साथ ही एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। DDU में हम जिस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे वो BSc मैथ्स और होम साइंस के बच्चों के लिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, सो टोटल मार्क्स 450 नंबर का होगा। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या फिर गूगल में जाकर आप सर्च कर सकते हैं gkpcolleges.com। यहाँ पर दिख रहे सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके आपको मेरे ब्लॉग पर आ जाना है। यहाँ पेज को आप थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे क्वेश्चन पेपर पर जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर के पहले पेज को देखते हैं। पहले पेज में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें बताया गया है आप अपना रोल नंबर वहीं लिखेंगे जहां पे इसके लिए कॉलम दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप जरूर चेक कर लें कि उसमें सभी पेज हैं या नहीं हैं। अगर कोई पेज मिसिंग है तो आप एग्जामिनर की सहायता से उसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 10 मिनट के अंदर नहीं चेंज किया तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में कुल 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। चलिए अब दूसरे पेज पर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। शुरू के 15 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के होते हैं, उसके बाद 45 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, उसके बाद 45 फिजिक्स के, उसके बाद बचे 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी आंसर्स सेलेक्ट किए गए हैं वो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप आंसर जरूर चेक करें। टिक किए हुए आंसर पर ध्यान ना दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मगर ट्रिकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।